अस्सलाम वालेकुम, CSS with 47 में खुश आमदीद। ये चार टॉपिक्स हैं जी, प्राइजिन, प्रोबेशन, पेरोल एंड बेल। इनमें मेजर क्या डिफरेंस है? बहुत से जो एस्पायरेंट्स हैं और बहुत से जो क्रिमिनोलॉजी के लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इनको कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्राइजिन तो एक ईजी और कॉमन सा टर्म है कि जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो लोग सेंटेंस्ड होते हैं या कन्विक्टेड होते हैं उनके लिए, जिनको जेल बोला जाता है। अब प्रोबेशन और पेरोल को भी पहले कंफ्यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि प्रोबेशन और पेरोल में दोनों जो कन्विक्टेड होते हैं उनको बाहर छोड़ा जाता है, मगर जो प्रोबेशन होती है, प्रोबेशन में किसी ऑफेंस का कोई कन्विक्टेड हो तो उसकी जो प्राइजन है, प्रिजन है, उसकी जो जेल है उसको सस्पेंड किया जाता है। और जबकि पेरोल जो है, पेरोल ये होता है कि किसी कन्विक्टेड को, किसी ऑफेंडर को बाहर कम्युनिटी में छोड़ा जाता है, मगर उसको वापस जेल में लाया जा सकता है अगर वो कोई भी पेरोल की कंडीशन को वायलेट करता है। तो प्रोबेशन पे जो होता है उसको वापस नहीं लाया जाता, उसकी जो ना प्रिजन जो है वो सस्पेंड हो जाती है, जबकि पेरोल जो है उसको वापस जेल में लाया जा सकता है अगर वो सेट पैरामीटर्स को और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को, या जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उसके लिए कम्युनिटी में रहने के, अगर उनको वायलेट करता है तो उनको वापस जेल में डाला जाता है। और बेल क्या होती है? बेल में भी जो कन्विक्टेड होता है वो बाहर होता है, मगर किस कंडीशन पे वो बेल होती है? बेल ऑन द कंडीशन ऑफ पेइंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, रिलीज़ के लिए वो एक बॉन्ड देता है, श्योरिटी बॉन्ड देता है, कुछ पैसे देता है बाहर रहने के लिए। तो ये चार टर्म्स हैं। विल सी यू सून। थैंक यू।